ब्यूटी इंडस्ट्री कभी कभी प्रॉफिट को एफिकेसी से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। डॉक्टर दीप्ति, डू यू थिंक कि अगर हम इस प्रॉब्लम को या फिर इस कंसर्न को हाईलाइट करें एट अ लार्जर स्केल, विल इट वर्क आउट? आई मीन, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एक्ने, स्किन कंडीशंस, डर्माटाइटिस, तो माइक्रोप्लास्टिक्स के साइड इफेक्ट्स का अगर हम अवेयरनेस जनरेट करें तो विल इट वर्क आउट इन द इंडियन मार्केट? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये अवेयरनेस बड़े लेवल पे होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरी बात मिस्टर नितिन से भी हो रही थी, आई थिंक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से बात करी जाए और इस चीज को, इस अवेयरनेस को एक बिगर लेवल पे लेके जाया जाए। अगर मैं लापिंक के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये 100% माइक्रोप्लास्टिक फ्री है, जो कि आज भी इंडियन कंज्यूमर जानना चाहता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। आई फील कि माइक्रोप्लास्टिक का कंजम्पशन ग्रेजुअली कम हो सकता है, एकदम फ्रैक्शन में नहीं होगा, बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी इसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एंड आई होप जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फूड रेगुलेशंस के लिए बिल पास किया है, कमिंग फ्यूचर में ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए भी कोई ना कोई स्टेप तो वो जरूर ही उठाएंगे। बिल्कुल, इट इज ऑलवेज अ स्मॉल स्टेप दैट बिकम्स रेवोल्यूशनरी, और फिर लापिंक की तो फाउंडेशन ही रेवोल्यूशनरी ब्यूटी ब्रांड है। 100% माइक्रोप्लास्टिक फ्री फॉर्मुलेशंस।